ताला खोल रहे हो, मंदिर में जाकर आप झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में जाकर आप पोछा लगा रहे हो, मंदिर में जाकर आप सेवा कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने इस कार्य के लिए मुझे चुन कर रखा और मेरे जैसे व्यक्ति से तूने ये कार्य किया। कितने कितने दुनिया में ढेर पड़े, पर कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अगर आपको चुना गया है तो समझ लेना कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। बगीचे में वही फूल तोड़ा जाता है, बगीचे से वही फूल निकाला जाता है जिस फूल को सारी दुनिया पसंद करती है। इसलिए महादेव ने आपको सेवा के लिए चुना है, क्योंकि आप महादेव के प्रिय हो। और बड़े आनंद में, बड़ी प्रसन्नता में अपने आप में ये सोचना कि मेरे शंकर ने मुझे चुना, मेरे देवाधिदेव महादेव ने मुझे चुना, मेरे शिव जी। एक पत्र है, देशमुख तेल अकोला से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे मायके पक्ष में एक बीमारी है, उस बीमारी के कारण पूरे मायके में जितने भी सदस्य हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। मायके में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे भाई हों, मेरे मामा पक्ष के जितने भी हों, सब विकलांग पैदा होते हैं, कोई भी शरीर से अच्छा पैदा नहीं हुआ। और ये केवल आज से नहीं, कई पीढ़ियों से चला। गुरुदेव, मेरे मामा के बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मैं खुद जो पत्र लिख रही हूँ, हम सब अपंग हैं। पाँव से हमारे शरीर का पाँव काम नहीं करता। हमारे परिवार में एक बीमारी है, जो बीमारी का डॉक्टर भी कहते हैं कि ये जिंदगी भर रहेगी, ये आपके परिवार में है। जिस मेरे यहाँ पर जो संतान होने वाली, डॉक्टर ने कह दिया वो संतान भी ऐसी ही है, और आज का नहीं है ये बीमारी। अब किसी ने कहा कि आप एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है और वो सुनो। अब मेरी बहू गर्भवती, अब करें तो करें क्या, वापिस दिमाग में टेंशन आ गया कि गर्भ में जो संतान होगी वो भी विकलांग ही। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपको भी जो संतान है वो इसी बीमारी से ग्रसित है, और ये बच्चा आपका ऐसा विकलांग ही रहे। अब करें क्या? तभी बाबा से निवेदन करा, टीवी के सामने बैठकर बहू से कथा सुनवाई, शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वाया, डॉक्टर ने कहा था बच्चा वैसा ही रहेगा जैसे तुम्हारे परिवार में सब हैं। तब शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिवजी को जल चढ़वाया, नंदी के पास में बैठकर बेलपत्र खिलवाई, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 25 जुलाई 2000 में बाबा का जो आनंदमय भाव से ऐसी करी है, ऐसी बाबा ने करुणा करी है कि बाबा की कृपा से जो संतान हुई, ऐसी कृपा हुई कि वो बच्चा विकलांग नहीं हुआ, बाबा की कृपा से। आप सब हिंदी के माध्यम से अपने अपने मोबाइल पर भी उसको देख सकते हैं, बच्चे के फोटो भी लगा। शिव तत्व इसी को कहते हैं। लोग कहते हैं महादेव, सुनते हैं हम, कहते हैं एक बार उसका स्मरण कर देखो, क्यों ना सुन। कैलाशी है, अविनाशी है, शिव तत्व उसके भीतर।